हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां के मारता नहार सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के प्राचार्य के ऊपर छात्रा के शिकायत में मामला दर्ज किया गया रहा, जहां छात्रा का डेरबाबर और अश्लील बात करे के आरोप में ही स्कूल प्राचार्य अमरेश सिंह के खिलाफ 504, 506, 354 और 451 साथ है पॉक्सो एक्ट के धारण में मामला का पंजीबद्ध करके उनका निलंबित कर देगा। आई सुनाई पुलिस अधीक्षक नवनीत भसी ने सलगा मामला माही का जानकारी दे रहे हम। एक कंप्लेंट की थी कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनसे फोन पर इस प्रकार का वार्तालाप किया जा रहा है। उसके पश्चात कल थाना विश्वविद्यालय में FIR पंजीबद्ध कर ली गई है और जैसा कि आपको जानकारी में है उन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है और वो निलंबित भी हो गए हैं। बुलेटिन की अगली खबर से गरौली से है, जहां जिला के किसान ब्रोकली के खेती कई के कम खर्चा में अधिक मुनाफा कमाए रहे हम। बैढ़न के उरगई तियरा गांव के रहने वाले किसान मोतीलाल ने केवल ब्रोकली के सफल खेती करी साथ ही अच्छा खासा मुनाफा कमाई। मोतीलाल के खेती का देख के जहाँ कई दूसर किसान उत्साहित हमा तुम्हें PMO से उनके नवाचार के सराहना कीन गए हबे। सीधी जिला में दहेज खातिर नई पतोहू के हत्या कई दिन गए हबे। पुलिस हत्या के शक में ही मृतिका के ससुराल वाले का गिरफ्तार कर लीन हबे। बतावागा के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ही डॉक्टर बताइन के महिला आत्महत्या नहीं करीन बल्कि उनकर हत्या कीन गए हबे। पिता बताइन के 10 अप्रैल का उनके बिटिया के मौत के खबर मिली, जहाँ बतावागा के प्रतिमा फांसी लगाए के आत्महत्या कर लीन हबे। सीधी जिले में ही बुलडोजर के कहर देखे का मिला, जहां 13 अप्रैल का सांझ के ओचानक उपखंड अधिकारी गोपत बनास, आनंद सिंह रजावत और तहसीलदार सौरव मिश्रा, राजस्व पुलिस और जनपद पंचायत सीधी के अमला गांव डेवा के भूमाफिया अजय सिंह लोली के कब्जा से 1,20,00,000 रुपया के जमीन का अतिक्रमण से मुक्त कराए दिन। अजय सिंह उर्फ लोली के खिलाफ थाना जमुनी माही कई अठे अपराध दर्ज हमा, जेका लय के बड़ी कार्रवाई की गई है। सीधी जिला के मझौली थाना के पुलिस का आदिवासी के ऊपर इल्जाम लगाए के 50,000 रुपया लूटे के वीडियो वायरल हो रहा है। यह मामला 12 अप्रैल 2022 के बताबागा, जहां मझौली थाना में पदस्थ ASI नारायण सिंह परिहार और ASI मनसुखलाल वर्मा रामपाल सिंह के ऊपर चोरी के इल्जाम लगाए के 50,000 रुपया मांगिन, जहां रामपाल के पत्नी पुलिस वाले के वीडियो बनाए लिन जिनका वायरल कई दिन का। रीवा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र में ही झूर कुआं में कार गिरे से युवक के मौत हो गई रही। यहां सामा ही सिरमौर थाना क्षेत्र के रहने वाले उमरी गौतमान के रहैया अतुल गौतम के दर्दनाक मौत हो गई रही। घटना बीती रात की बताई जाती, जहाँ स्थानीय लोगों के सहायता से कार में फंसे युवक के शव का पुलिस ने करवाइन। ये मामला में ही पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भसीन बताएं कि कुआं में गिरी कार का JCB से निकलवावा का है और वहां के रहने वाले लोगों से पूछताछ की जाला ही है। एक घटना कल रात्रि में प्रकाश में आई है, इसमें एक कार जो कुएं में गिर गई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए थाना प्रभारी सिरमौर तो अपनी टीम के साथ हैं, हमने FSL की टीम भी रवाना कर दी है, जिससे कोई वास्तविकता पता पड़ सके, किसी प्रकार की और कोई समस्या ना रहे। आसपास के लोगों ने जो घटना देखी है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, PM भी कराया जा रहा है, इसके पश्चात ही उसमें आगे कुछ जानकारी देना संभव हो सकेगा। बुलेटिन के अगली खबर सतना से है, जहां रेलवे स्टेशन में ही आरंभ युवाओं की एक नई सोच समिति नुक्कड़ नाटक कई के रेलवे स्टेशन परिसर में ही स्वच्छता खातिर लोगन का जागरूक करे खातिर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करी। अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, और कचरे को डस्टबिन में ही डालूंगा। दूसरी चीज मैं अपने शहर को हरा भरा सतना बनाने के लिए संपूर्ण। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां सज्जादा नसीन मोहम्मद अली शाह वारसी हफीजी मजार मऊगंज के सामूहे प्याऊ लगाए के लोगन के गला तर करे के बीड़ा उठाइन है। अपने को बताए दी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मऊगंज महेश पटेल के हाथे से प्याऊ के शुभारंभ कीनगा। हाँ, अपने नगर में
जनाब सीएमओ साहब और हमारे बुजुर्ग सुशील चंद्र मिश्रा जी और राम निश्चय मिश्रा जी और एडवोकेट अरुण गुप्ता जी और इस मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण और मोहल्ले के तमाम नौजवान बच्चे, आज इस मौके पर हम आप सभी सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, याद करता हूँ। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है भाई, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और अधिवक्ता अशफाक अहमद के घर में 15 मार्च के रात का आगे लगाए के चोर चोरी के घटना का अंजाम दिए रहे। वहीं आगजनी और चोरी के खुलासा न होए के कारण अधिवक्ता नाराजगी जाहिर करे, साथ ही अधिकारी के कार्यप्रणाली में संतोष जताए के कहीं नहीं भाई के उनका आशा हवे के पुलिस प्रशासन चोरी और आगजनी के खुलासा जल्दी कर दे। दोस्ती में दगाबाजी करके अपने दोस्त के ऊपर चाकू से हमला करके उनका घायल करे के बाद बाइक लूट के दोस्त फरार हो गया रहा, जहां मऊगंज अस्पताल में ही घायल का भर्ती कराए के पुलिस उनका बयान दर्ज करे रही है। बतावा जाता है कि घायल और आरोपी दोनों आपस में दोस्त आही और दोनों नीट के परीक्षा के तैयारी करत रहे। हम इसमें मामला ये है कि कल शाम को एक आदमी फरियादी आया, उसने सूचना दिया कि उसके बेटे के साथ लूट हो गई। फरियादी था पुत्तम कुशवाहा पन्नी का निवासी, उसने बताया कि मेरा बेटा है देवांग कुशवाहा, उसको किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके बुलाया है, उसी का जानकार, उसको पुस्तक लेने के बहाने बुलाया और उसको चाकू मार दिया और उसकी स्कूटी छीन कर भाग गया। इस पर से कमल सिंह वरकड़े ने मुकदमा दर्ज किया, हमने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की, इसके पश्चात आरोपी को ढूंढने में लग गए। रात भर की मेहनत के बाद सुबह आरोपी दस्तयाब हुआ, उसने अपना जुर्म स्वीकार किया, बताया कि मैं उसको पहले से जानता था, उसने घटना के बारे में पूरा अपना मेमोरेंडम लिख कराया कि मैंने उसको पहले एनसीईआरटी बुक लेने के बहाने बुलाया, वो किसी एक व्यक्ति के साथ आया था, फिर मैंने उससे झूठ बोला कि मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दो और लिफ्ट लेने के बहाने से लेकर ये सलार नदी पन्नी तक ले गया और वहाँ पर उसको चाकू मार के उसकी स्कूटी छुड़ा कर भाग गया था, जिसको सुबह अपन ने दस्तयाब कर लिया है और अभी उस पर लिखा पढ़ी कम्प्लीट करके उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।